पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के अवसर पर झंडारोहण किया गया। सोमवार को नगर निगम के मुख्य कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। मेयर विनोद अग्रवाल और नगरायुक्त संजय चौहान समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। इस मौके पर मेयर और नगरायुक्त ने अपने संबोधन में कोविड काल में हुए नगर निगम की ओर से सफाई कर्मियों और स्टाफ को बधाई दी। उन्होंने कहा कि संकट काल में भी सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे, सफाई की रैंकिंग में निगम पायदान चढ़ा। इस अवसर पर मेयर और नगरायुक्त ने 10 सफाई कर्मियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए, जबकि अन्य सफाई कर्मियों को अलग अलग वार्डों में सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही गौरवान्वित दिन है, गर्व का दिन है और अपने आप को भी हमें गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम आज़ादी के उस 75वें उत्सव में शामिल हैं। हम स्वतंत्र भारत के पैदाइश के नागरिक हैं और आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी है उन्हें याद करेंगे। हमें याद है कि जब हम छोटे छोटे थे तब ये तिरंगा झंडा लेके चलते थे। कुछ कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है, जिसका मतलब ये नहीं है कि किसी कर्मचारी के कार्य की और उसकी कुशलता की अनदेखी की गई है। सभी कर्मचारी मेहनत से कार्य कर रहे हैं और इसका प्रमाण ये है कि आज लगभग आधे कर्मचारी ऐसे हैं, मैंने देखा, जिनका नाम यहाँ से बुलाया गया, वो अपना पुरस्कार और प्रशस्ति लेने के लिए नहीं आए, वो अपने कार्यस्थल पर हैं। आज के दिन भी वो अपनी ड्यूटी के प्रति सजग हैं और उन्होंने अपनी ड्यूटी को अपने सम्मान से श्रेष्ठ माना है और वहां अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप शहर में चारों तरफ घूम के देखिए, निगम एक ऐसा विभाग है जो साइलेंटली काम करता है। एक दिन भी अगर निगम का कर्मचारी अपने कार्य को छोड़ दे तो इतनी शिकायतें आने लगती हैं और शहरवासियों को और हमें स्वयं यह महसूस होने लगता है कि आप न जाने क्या हो गया। मुरादाबाद कंपैरेटिवली बहुत साफ सुथरा है, अच्छा शहर है, बाहर से आने वाले लोग इसकी तारीफ करते हैं और यही आपके कार्य का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है और यही मेरी यहाँ तैनाती का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।